इधर फिरौन ने जब बनी इसराइल के बारे में यह फैसला किया कि बनी इसराइल के नौ मौलूद बच्चों को कत्ल किया जाए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि सब्र करो और अल्लाह से मदद चाहो, जमीन अल्लाह की है और इसके वारिस अल्लाह के परहेजगार बंदे होंगे। यहां से पता चला कि जमीन की विरासत, खिलाफत, हुकूमत, इमामत अल्लाह के परहेजगार बंदों का हक है और उनको मिलनी चाहिए और उन तक आनी चाहिए। और इस्लाम जो है परहेजगार लोगों को वहां तक पहुंचाता है। बनी इसराइल कहने लगे, क्या है मूसा, आपके आने से पहले भी हम बहुत तकलीफ में थे, फिरौन ने हमें बहुत मारा और आपके आने के बाद भी हमारी पिटाई हो रही है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बिशारत सुनाई कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम दीन के काम में लग जाओ, तुम दीन सीखने सिखाने में, इसकी तबलीग में, इसके रास्ते में जद्दोजहद में लग जाओ, बेसरो सामानी के बावजूद अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। और वही हुआ, बिल्कुल बेसरो सामानी की हालत में जब वो फरार हो रहे थे और फिरौन के लश्कर ने उनका पीछा किया, तो अल्लाह ताला ने फिरौन के लश्कर को गर्क कर दिया और उन्हें उसी जमीन का वारिस बना लिया।